बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं सब्ज़ी की रेसिपी के साथ हाज़िर हुई हूँ। हम आज बनाएंगे आलू गोभी। सिंपल मसालों में हम आलू गोभी बनाएंगे। पहले इसके लिए आधा कप ऑयल या घी जो आप इस्तेमाल करते हैं वो ले लें। फिर इसके अंदर दरमियानी साइज़ के दो प्याज और दो हरी मिर्चें जाएंगे। अच्छा, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप वीडियो को देखा करें, सारी शुरू से लेकर एंड तक देखा करें ताकि आपको रेसिपी की पूरी समझ आ सके। वीडियो को देख के लाइक भी कर दिया करें, 1200 कमेंट करके मुझे बताया करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। ये अब हमारा प्याज थोड़ा फ्राई हो गया है, इसका कलर चेंज नहीं करना। अब इसके अंदर हम ड्राई मसाले डालेंगे और मसाले हम ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, गरम मसाला भी ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, एंड पे बस मैं डालूँगी। तो इसमें मैं सादा सिंपल जो हंडिया में मसाले डाले जाते हैं वही मैं डालूँगी। 1 टीस्पून डर जाएगा नमक, 1/2 टीस्पून चिल्ली पाउडर और 1/4 टीस्पून हल्दी। थोड़ा सा इसके अंदर पानी ऐड करेंगे ताकि हमारे मसाले जले ना, और इन मसालों को अब हम भून लेंगे तकरीबन 1 मिनट तक। अब इसके अंदर मैं टमाटर शामिल करूँगी, ये 2 छोटे साइज के टमाटर थे। इसको हम थोड़ा सा भूनेंगे ताकि थोड़े से ये सॉफ्ट हो जाएं। सब्जियों को हमें सादा मसाले में ही बनाना चाहिए, ज़्यादा मसाले इसमें यूज़ नहीं करने चाहिए, सब्ज़ी का अपना टेस्ट आना चाहिए। ये बहुत मज़े की गोभी बनेगी, इसका अपना टेस्ट होगा। आप भी ज़रूर बनाएं, ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा। अब इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट आएगा, ये 1 टेबल स्पून है। गोभी मैंने 1 किलो ली थी और 1.5 पाव तकरीबन मेरे आलू हैं, उनको मैंने बारीक बारीक काट लिया था और उसको मैंने वॉश कर लिया है। ये 4 मिर्चें इसमें जाएंगी, सब्ज़ मिर्च साबत, इसका बहुत अच्छा जायका बनता है इसके अंदर। गोभी को मैंने बारीक काट लिया था और साथ आलू भी, ये इसके अंदर धो के हम शामिल कर देंगे। हम इसके अंदर पानी नहीं डालेंगे, गोभी के पानी में ये गल जाएगी। गोभी को अब अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे मसालों के साथ। इसके अंदर हमने पानी का इस्तेमाल नहीं करना, इसी तरह से गोभी के अंदर से पानी निकल आएगा। हमने सब्ज़ी को धो के बस इसके अंदर डाल देना है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे मसाले के साथ। अब इसके ऊपर ढक्कन दे देंगे, इसे हमने अच्छी तरह से मसाले के साथ मिक्स कर दिया। इसके ऊपर हम ढक्कन दे देंगे, तकरीबन 5 मिनट के बाद इसे हम चेक करेंगे। तो 5 मिनट बाद हम चेक करते हैं, ये देखें गोभी ने पानी छोड़ दिया, सब्ज़ी ने पानी छोड़ दिया। अब इसी पानी में ये सब्ज़ी पक जाएगी। हम और 10 मिनट के लिए इसे रखते हैं, 10 मिनट के बाद फिर चेक करते हैं। तो चेक करते हैं, हमारी हंडिया बिल्कुल रेडी हो गई है। देखें कितनी ज़बरदस्त सी गोभी बनी है, घी छोड़ दिया है सब्ज़ी ने, तो हमारी सब्ज़ी ये तैयार है। अब हम इसके ऊपर धनिया डालते हैं और गरम मसाला डालते हैं, 1/2 टीस्पून गरम मसाला और ढेर सारा धनिया। फ्लेम ऑफ़ करते हैं, उसको मिक्स कर देते हैं। ये कितनी ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी हमारी गोभी तैयार हो गई है। अब इस तरीके से बनाइए सिंपल मसालों के साथ, बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी लगता है। तो चलिए इसको डिश आउट करते हैं। देखिए कितनी ज़बरदस्त घी छोड़ दिया है और अच्छी तरह से ये भुन गई है हमारी गोभी, बहुत ही मज़ेदार तैयार हुई है। आप भी मेरे तरीके से बनाएं। अच्छा चलें, मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिएगा, अपना भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।